भोजपुरी फिल्मों के पवन सिंह कितने बड़े सुपरस्टार हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे सोशल मीडिया पर पवन सिंह की कोई फोटो आती है वायरल हो जाती है, पवन सिंह का कोई भी गाना रिलीज होता है वायरल हो जाता है, देखते ही देखते गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाता है। और फिलहाल अभिनेता पवन सिंह का एक गाना सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है, काफी लोगों को पसंद आ रहा है और उस गाने ने एक महारिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, कुछ दिन पहले अभिनेता पवन सिंह का एक गाना आया था जिस गाने का वीडियो गाना काफी मजेदार था। गाने का नाम था बदनाम कर दोगी। हालांकि बहुत सारे पवन सिंह के फैंस का ये मानना था कि इस गाने को पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के ऊपर बनाया है। पवन सिंह का ये गाना पूरी तरीके से अक्षरा सिंह के ऊपर डेडिकेट है। इस गाने को लेकर काफी ज्यादा विवाद भी है, लोगों को ये गाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, हालांकि अक्षरा सिंह के फैंस को ये गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इस गाने को फिलहाल बड़ी मात्रा में लोकप्रियता मिल रही है, लोग इस गाने को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और देखते ही देखते गाने ने महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कुछ दिन पहले गाना रिलीज हुआ और फिलहाल गाने ने एक महारिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, मात्र कुछ ही दिनों में इस गाने को 80 लाख लोगों ने देखा है। जी हाँ, अभिनेता पवन सिंह के इस गाने को 8 मिलियन लोगों ने कुछ ही दिन में देखा है। लोग इस गाने को सबसे ज्यादा पसंद कर, खासकर इस गाने का वीडियो गाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि इस गाने को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा गाना कहा जा सकता है। इस गाने में बेहतरीन लोकेशन के साथ काफी हाई फाई खर्चा किया गया है और यूं कहा जा सकता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा गाना अभिनेता पवन सिंह का ये गाना ही है। तो मात्र कुछ ही दिनों में 80 लाख लोगों ने पवन सिंह के इस गाने को सुना और प्यार दिया। आप लोग भी जाकर सुनिए पवन सिंह का ये गाना और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि गाना आप लोगों को कितना पसंद आया।